तो दोस्तों आप भी जो है अपने फोटोज़ और वीडियोस को किसी वॉल में ओके दीवार में अगर आप देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस जो है मिल जाते हैं, तो इसका रिलेटेड है क्या दोस्तों, मैं आपको यही बताने वाला हूँ। जो ऐप्स उसमें बताया जाता है कि आप जो है कैसे जो है किसी दीवार में जो है फ़ोटो को देख सकते हैं या फिर वीडियोज़ को प्ले कर सकते हैं, तो आपको वो ऐप्स है क्या दोस्तों। यहाँ प्ले स्टोर में आपको आना है, प्ले स्टोर में आने के बाद आपको फेस प्रोजेक्टर करके सर्च मारना है, काफ़ी सारा जो है आपको ऐप्स मिल जाएंगे यहाँ से, जो भी आपको अच्छा लगे। तो एक जो फर्स्ट वाला जो आ रहा है इसको मैं आपको यहाँ से इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है, आपको इंस्टॉल कर लेना है ओके अपने फ़ोन में। अब इस ऐप्स को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फोटो से वीडियोस को दीवार में कैसे चला सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे लोगो आपके सामने शो अप हो रहा है ओके। तो यहाँ से हम जो है बैक आते हैं और जो हमें डाउनलोड कर लिया हूँ तो उसको मैं जो है ओपन करता हूँ। तो ऐप्स को डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इसका लोगो ऐप्स का इसमें आपको क्लिक कर देना है ओके। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने जो है इस तरह पेज जो है ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ओके जिस तरह दिखा रहा है उस तरह ये ऐप्स काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैं आपको यही इस वीडियोस में बताने वाला हूँ। तो आपको अलाउ कर देना है यहाँ पे फोटोज़ और वीडियोस में ओके। अलाउ करने का दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट वाला बटन जो है, स्टार्ट वाला बटन में आपको क्लिक कर देना है। स्टार्ट वाला बटन में क्लिक करने का दोस्तों आपके सामने इस तरह आएगा। तो यहाँ से आपको प्रोजेक्टर जो है फाइल जो है यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, तो ये जो है रोटेट हो जाएगा। तो अब आप जो है यहाँ से जो भी फोटो जो भी फ्रेम को लेना चाहते हैं उस फ्रेम को आप यहाँ से जो है चूज़ कर सकते हैं ओके। यहाँ पे घर पे दिखाना है या फिर कोई फूल पे दिखाना है या फिर कोई जो है दीवार उवार में पेड़ में किसी पे अगर आपको दिखाना है शो करना है, तो ये जो है फ्रेम आप जो है चूज़ कर सकते हो ओके। तो यहाँ से मैं कोई भी एक जो है फ्रेम यहाँ पर ले लेता हूँ जो दीवार में दिखाता है, तो इसी वाला फ्रेम को मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो वो क्लिक करने के बाद फ्रेम चूज़ करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो है एक पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपको गैलरी से अपना फ़ोटो जो है पिकअप करना है ओके। कौन सा फ़ोटो को आप जो है अपने गैलरी में जो है अपने दीवार में दिखना चाहते हैं उस फोटोज़ को आपको क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ से एक फ़ोटोज़ को क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फोटो है, तो इसको आपको डबल उंगली लगा के इसको छोटा करना है ओके। इसका फ्रेम जो है यहाँ पे छोटा कर लेना है आपको, इस तरह से कुछ यहाँ पे अच्छी तरह से मिला लेना है ओके। इस तरह मिलाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आपको फिर से एक जो है फोटोज़ आपको फोटोज़ में क्लिक करना पड़ेगा और दोबारा से एक जो है फोटोज़ यहाँ पर आपको ले लेना है यहाँ पर क्लिक करके। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे फोटो में क्लिक करोगे फोटोज़ में आपको गैलरी में लेके चलाएगा और जो फोटो यहाँ पे सेट किए हैं उसी फोटोज़ को आपको चूज़ कर लेना है यहाँ पे इस तरह होके आ जाएगा। तो इसको भी आपको जो है अच्छी तरह से इस तरह करके मिला लेना है अपना फ़ोन में जो है, ये जो फ़ोन शो ऑफ हो रहा है यहाँ पे आपको जो है अच्छे से इसको सेट कर लेना है ओके, कुछ इस तरह से ओके। सेट करने का दोस्तों होगा क्या, देख सकते हैं कि जिस तरह ये दिखा रहा है ये जो फ़ोटो आपका फ़ोन में जो दिखा रहा है वही फ़ोटोज़ जो यहाँ पे किसी जो है होम में दिखा रहा है किसी घर में। तो इस तरह करके आप जो है इस फोटोज़ को यहाँ पे क्लिक करके सेव भी कर सकते हैं ओके। यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं अपने फोटोज़ में, तो यहाँ पे बार बार एड्स आ जाएगा। तो दोस्तों इस ऐप्स का काम जो है सिर्फ यहीं तक है ओके। इसी तरह करके इस फोटो आपको सेट कर देना है इस तरह करके। आप जो सोच रहे हैं कि आपका फ़ोन का कोई भी फोटोज़ को गैल वॉल में किसी दीवार में देख सकते हैं, बट ऐसा कोई ऐप्स नहीं आया है, ये बिल्कुल जो है फ्रॉड है, गलत है। तो मैं आपको यही है जो हकीकत ये बताया हूँ कि इस ऐप्स को आप जो है किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और ये ऐप्स जो है किस काम के लिए है। तो आप अगर बार बार इस तरह टॉपिक से वीडियोज़ देख रहे हैं कि हम जो है कैसे फ़ोटोज़ को अपने वॉल में देख सकते हैं, तो ये इस तरह जो है ऐप्स कोई नहीं आया है, आप नहीं देख सकते हैं। हाँ थोड़ा मोड़ा देख सकते हैं एडिट करके अगर आप ग्रीन पर्दा का यूज़ करते हैं तो। तो दोस्तों इस वीडियोस को आपको कैसा लगा एक लाइक ज़रूर कर देना, और भी इस तरह जो है रिलेटेड वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।